ओम नमस्कार बंधु, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कागज पर टोटके पर। आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कैसे आप कर्जे को शीघ्र चुकाने के लिए कोई एक प्रयोग करें। ये सवाल हमसे बहुत बार पूछा गया है कि कैसे कर्जे को चुकाया जाए और उसके लिए कोई एक उपाय बताइए गुरु जी। तो आज के वीडियो में हम वही बताने वाले हैं आपको कि कैसे आप कोई एक उपाय कर सकते हैं जिससे कि आपका व्यापार का कर्जा हो या कि बिना गैर व्यापारी कर्जा हो। तो यदि आपने ले रखा है तो उसके लिए आपको मार्ग खुलने लगेंगे और शीघ्र ही आप जो भी आपका कर्जा है वह चुकाने के लिए काबिल हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि क्या क्या करना है, पूर्ण रूप से बताएंगे। तो आखिर तक देखिएगा और किस दिन बनाना है वे भी हम बताएंगे वीडियो के आखिर में। तो आप देखिएगा, आपको कोई भी एक कोरा कागज लेना है, उसमें आपको जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे करना है। लाल कलम से या फिर नीली कलम से आप करेंगे। तो आप पहले एक चकोर बना दीजिएगा। इस चकोर को आप बांट दीजिएगा। जैसे जैसे बोलेंगे आप वो वैसे वैसे लिखना है। 9, 2, 7, 3, 5, 6, 8, 4, 9। इसके अब नीली कलम से भी बना लेते हैं। आप चाहें तो किसी एक कलम से ही बनाएं या तो आप दोनों कलम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो दोनों को करिए। इसको भी बांट देंगे। 10, 11, 14, 12, 13, 18, 15, 16, 17। एक और बनेगा। कुल मिला के 4 बनाने हैं आपको। उन्नीस, बाईस, 21, 20, 23, 26, 27, 24, 25। थोड़ा साफ सफाई से बनाना है आपको पूरा समय लेकर। किस समय बनाना है वो हम बताएंगे आपको इसी वीडियो में। 28, 27, 24, 30, 29, 25, 32, 31 और 36। ये बन गया है आपके 4 यंत्र। अब इन यंत्रों को आपको कहाँ कहाँ रखना है वह आप जरा ध्यान से सुनिएगा। यदि आपका व्यापारिक कर्जा है तो यदि आपकी कोई दुकान है तो वहां रखिएगा, कार्यालय है तो वहां रखिएगा, फैक्ट्री है तो वहां रखिएगा, कारखाना है तो वहां पर रखिएगा, या फिर जो भी आपका व्यापार स्थल है, दुकान है, वहां पर रखिएगा। कैसे रखेंगे आप जैसे ही आप अपने व्यापार स्थल में घुसते हैं, अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं, जो आपका दरवाजा है उसके सीधी हाथ की तरफ, जैसे घुसेंगे सीधी हाथ की तरफ जो भी दीवार है वहां पर आपको इसको या तो आप इसको चिपका दीजिएगा। अगर आप चिपकाना नहीं चाहते हैं तो उसी दीवार के आसपास कहीं इसको आपको रखना होगा। चाहे आप किसी किताब के नीचे रखिए या किसी गत्ते के नीचे रखिए, उसी दीवार के आसपास आपको रखना है उस कागज को, उस किताब को, उस गत्ते को। फिर आपको रोज इसकी धूप या दीप जला के पूजा करनी है और फिर ऋण मुक्ति के लिए यानी कि कर्जा माफी के लिए आपको प्रार्थना करनी है कि शीघ्र ही कर्जा मुक्त हो जाए और आपको नए नए स्थान मार्ग मिले, नए नए मार्ग मिले कि आप अपना कर्जा मुक्त करवा सकें। और इस उपाय का एक और
फायदा ये होता है कि व्यापार, यदि आपका व्यापार है तो वह चलने लगता है और भी ज़्यादा आपकी आमदनी होने लगती है। और दूसरी बात, यदि आपका गैर व्यापारिक कर्जा है तो इसको आप अपने घर में रखिएगा, मंदिर में रखना चाहे मंदिर में रखिएगा, यदि मंदिर में नहीं रख सकते हैं तो घर पे आप कहीं पे भी रख सकते हैं इसको, जैसा बताया हमने वैसे ही रखना है। यदि आप घर में जैसे घुसते हैं तो सीधे हाथ की तरफ जो दीवार है वहां पे ही करना है। बस याद रखिएगा कि उसके आसपास कोई शौचालय ना बना हो, ऐसी जगह आपको ये यंत्र बना के रखने हैं। और आपको भी धूप और दीप से पूजा अर्चना करनी है और प्रार्थना करनी है ऋण मुक्ति के लिए। और यदि आप चाहते हैं कि अत्यधिक लाभ मिले, जल्दी लाभ मिले, तो आप उसको चांदी के, जो चांदी होता है उसका लॉकेट बना के आप अपने भुजा पर या फिर अपने गले में इसको पहन लीजिए और दिन में एक बार ऋण मुक्ति के लिए प्रार्थना किया करिए। चारों को ही एक ही कागज पे बनाना है। अब बताते हैं कि आपको किस दिन बनाना है और किस समय बनाना है। आप यह किसी भी दिन बना सकते हैं, रविवार को छोड़कर। समय होगा सुबह 5:30 बजे से लेके 10:30 बजे तक के बीच में ये आपको बनाना है। याद रखिएगा रविवार को नहीं बनाना है, बाकी आप किसी भी दिन बना सकते हैं। और जो आपको ताबीज में पिरोना, यदि आप ताबीज में पिरोएंगे इसको तो उसका समय भी वही होगा सुबह का ही, किसी भी दिन रविवार को छोड़कर। और यदि आप, और जो चिपकाना है दीवार पे या फिर रखना है किताब के नीचे, तो वह भी आप किसी भी दिन रखिएगा रविवार को छोड़कर। बस याद रखना है आपको कि रविवार को नहीं करना है, इस बात पे हम बार बार बहुत जोर दे रहे हैं, इसका आपको खास ख्याल रखना है। तो बंधुओं, ये उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफी लोगों द्वारा किया जा चुका है, आप भी इसको करिए, अवश्य आपको लाभ मिलेगा। यदि कोई आपका प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट में लिख के हमसे पूछिएगा, हम उसका अवश्य ही जवाब देंगे आपको। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें और बता दें आपको कि यदि आपको कोई हमारा नाम से कोई मोबाइल नंबर देता है तो उस पे बिल्कुल भी कॉल मत करिएगा, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि लोग अपना मोबाइल नंबर छोड़ देते हैं नीचे हमारा नाम लेके, हम किसी को कॉल नहीं करते हैं। तो आप भी किसी को कॉल मत करिएगा, वह आपसे पैसे ऐंठ सकते हैं और हम किसी से 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। यदि आप गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं, जो कि देनी चाहिए, यदि आप उपाय करते हैं तभी उपाय फलता है फूलता है, तो वह गुरु दक्षिणा ये होगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे जो भी आप वीडियो देखते हैं उनको लाइक किया करें और शेयर किया करें, और कोई सवाल होता है तो कमेंट में हमसे पूछा करें, यही हमारी गुरु दक्षिणा है। पैसे हम किसी से 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। और दूसरी बात कि आप भी अपना फोन नंबर कभी भी कमेंट में मत लिखिएगा, कोई भी अन्य व्यक्ति आपको कॉल कर सकता है हमारा नाम लेकर, ना किसी दूसरे के नंबर पर कॉल करिएगा और ना ही आप हमारे कमेंट में अपना फोन नंबर छोड़िएगा, कोई भी आपको कॉल कर सकता है। तो बंधु, ये महत्वपूर्ण बात है जो हम बताना चाहते हैं, बार बार बताते हैं, लोग फिर भी उसका पालन नहीं करते हैं, शायद पूरा वीडियो नहीं देख पाते हैं। यदि आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो इस बात का अमल करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब आपको फिर से हम बता देते हैं इस उपाय के बारे में, ये जो हमने आपको बताया है, ये चारों यंत्र बनाने हैं। आप चाहें तो एक ही रंग से दोनों बना सकते हैं, चारों बना सकते हैं, और आप चाहें तो दोनों रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाल और नीला। पहले ये वाला बनाना है, फिर ये, फिर ये, फिर ये बनाना है, और एक ही कागज पे बनाना है। रविवार को छोड़ के किसी भी दिन बनाना है, सुबह के दिन समय बनाना है, जैसे हमने बताया 5:30 से 10:30 के बीच में बनाना है। और आपको रखना कहाँ पर है, जो आपका व्यापार का स्थान है उसके अंदर जब आप घुसेंगे तो सीधे हाथ की तरफ जो दीवार होगी वहां पर आप चिपका सकते हैं, चिपकाना नहीं चाहते हैं तो वहीं उसी दीवार की आड़ में रख दीजिएगा एक किताब या कोई गत्ता, उसके नीचे आप उसको रख सकते हैं। और उसी रोज धूप और दीप से पूजा करके आपको ऋण माफी के लिए आपको प्रार्थना करनी है। और यदि आपका गैर व्यापारिक
कर्जा है, तो आप क्या करेंगे, आप अपना घर की अंदर जब घुसेंगे मेन दरवाजे के उसकी सीधी दीवार पे आप उसको चिपकाइएगा, और शीघ्र लाभ के लिए आपको इसको चांदी के ताबीज में लगाइएगा। तो बंधु यहाँ तक आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में भी इसी विषय पर और अन्य विषयों पर हम आपको उपाय बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।